हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार संदीप सर जीके में। मैं आज आपको और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ कुछ साइंस के जो फैक्चुअल ट्रिक्स हैं खोज एवं खोजकर्ताओं की 10 ऐसी लिस्टेड हैं उसके बारे में ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए उनको लर्न करने की। तो देखिएगा, पहला टेलीस्कोप। पहला क्या है? टेलीस्कोप। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, हैंस लिपर्से ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार हैंस लिपर्से ने किया था। अब आप देखिएगा, जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ हैंस लिखा हुआ है, ये देखिए हैंस लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, लिप लिखा हुआ है। तो हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो हमारी लिप्स है वो क्या है, हंसते हुए अच्छी लगेंगी। हमारी लिप्स क्या लगेंगी, हंसते हुए हमारी जो लिप्स है, लिप्स हमारी क्या, हंसते हुए अच्छी लगेंगी। यहाँ पे लिप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये क्या है, हंसते हुए, अपन HANS से कर सकते हैं हंसते हुए। तो हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, इसको कैसे एक दूसरे से मिला सकते हैं कि जो हमारी लिप है, जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमारी लिप हंसते हुए हमको अच्छी लगेंगी। तो ऐसे आप इसको इजी तरीके से याद कर सकते हो। सेकेंड क्या है, लिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर। लिफ्ट, इसको एलिवेटर बोलते हैं। इसकी खोज, इसके आविष्कारक कौन थे, एलिसा ऑटिस। आप देखिएगा, एलिसा अपने फ्रेंड के साथ में, एलिसा जो थी वो अपने फ्रेंड के साथ में एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल घूमने के लिए गई हुई थी। एक अच्छा बड़ा प्राइवेट स्कूल था और जनरली प्राइवेट स्कूलों में लिफ्ट नहीं होती है, लेकिन वहां पे उसने क्या देखा था, लिफ्ट देखी थी, एलिवेटर वहां उसने देखा था। तो एलिसा ने अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से क्या कहा, ओ इट इज एलिवेटर। तो आप यहां से देखिए, यहां पे क्या, ओ, और ये टी है, टी को हम कैसे इट कर सकते हैं, ओ इट, और ये इज दिया हुआ है, इट इज एलिवेटर। तो एलिसा ने अपने फ्रेंड से क्या बोला, ओ इट इज एलिवेटर। क्या वो शॉक हो गई थी क्योंकि स्कूल में एलिवेटर लगा, लिफ्ट लगी हुई थी। तो उसने क्या बोला, आप इस पूरे नाम से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो, ऑटिस से बना सकते हो, ओ इट इज एलिवेटर। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी, विद्युत बैटरी। अब आप देखिएगा, इनकी, इसकी खोज बोल्टा ने की थी। आप देखिए, जब हम मार्केट में बैटरी लेने जाते हैं तो उसके या तो कॉर्नर में, बिल्कुल निचले वाले हिस्से में, या फिर उसके आजू बाजू वहां पे वोल्टेज दिया रहता है कि ये बैटरीज का, ये बैटरी का वोल्ट कितने वोल्टेज की बैटरी है। तो इसी से हम इसके वोल्टेज से क्या रिलेट कर सकते हैं, वोल्टा। इस वोल्टेज से आप वोल्टा को रिलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिएगा, बैरीमीटर। बैरीमीटर की खोज किसने की थी, टॉरिसेली ने की थी। अब आप इसकी ट्रिक देखिएगा, यहाँ पे क्या है, रोमी आ रहा है। तो रोमी क्या, यहाँ पे आप देखिएगा, एक एक शब्द से देखिएगा, ट र स ली। तो रोमी क्या था, तरस गई थी। इसको अपन टेरेसली को कैसे, तरस गई थी, रोमी तरस गई थी फ्रेंड से मिलने के लिए। एक अपन ऐसी ट्रिक बना सकते हैं, तो रोमी से क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा, और तरस गई से टेरेसली। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि जो रोमी थी, रोमी टरस गई फ्रेंड से मिलने के लिए। तो ऐसे ये ट्रिक बना सकते हैं, फ्रेंड से मिलने के लिए। तो यहां पे रोमी आ रहा है और यहां पे आप टरसली, ऐसे तरस गई से इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, उच्चारण इसका कर सकते हैं हम टरसली का। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या आता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज किसने की थी, सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। अब कंप्यूटर आप सब जानते हो, जैसे ही हम कंप्यूटर पे इंटरनेट साइट पे जाते, जब हम इंटरनेट खोलते तो सबसे पहले उसका क्या, जैसे हमने गूगल या क्रोम खोला तो हम सबसे पहले कहां पे जाते हैं, वेब पेज में जाते हैं। हम सबसे पहले वेब पेज ओपन होता है, क्या होता है, वेब पेज ओपन होता है। तो यहां पे क्या लिखा है, वेब, यहां पे आप इसको देखिए, वेब, और एक जा है, जा से क्या, आप एक साथ अगर बोलेंगे तो वेब पेज ऐसे बन जाएगा, वेब, और यहां पे जा, ऐसे आप लिख सकते हो पेज, इसको वेब पेज, ऐसे इसकी ट्रिक बन जाएगी। कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बैबेज ने की थी। अब नेक्स्ट देखिएगा, वायरलेस की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। अब मैंने आपको कल ट्रिक में बताया था कि मार्कोनी जी ने रेडियो की खोज की थी, और जो रेडियो होता है, रेडियो क्या होता है, वायरलेस होता है। हमको क्या पता है कि जो हमारा रेडियो होता है वो वायरलेस होता है, तो इससे हम रेडियो से वायरलेस को कनेक्ट करके बता सकते हैं कि इसकी खोज भी मार्कोनी जी ने की होगी। नेक्स्ट देखिएगा,
परमाणु बम की खोज ओपनहाइमर ने की थी। अब आप देखिएगा, जैसे एक कोई होटल है, अगर यहाँ पे परमाणु बम हो और परमाणु बम एक्सप्लोड हो जाए, फट जाए, तो यहाँ पे उसका जो टेरेस है, यहाँ पे सारे गेट हैं, ये सारी चीजें हैं, गेट हैं, जब वो फटेगा तो ये सारी चीजें क्या है, इधर उधर हो जाएंगी, फैल जाएंगी ये सारी चीजें। मीन्स यहाँ का टेरेस भी पूरा फैल नीचे गिर जाएगा टूट के। मीन्स ये हमारी जो होटल है वो पूरी खुल जाएगी, एक हिसाब से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, ओपन आ रहा है, ओपन। तो ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, ओपनहाइमर ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी, जिलेट ने की थी। ये हम एड में भी देखते हैं कि जो सेविंग के लिए जिलेट सेवर बहुत स्मूथ, उससे सेविंग हो जाती है, तो जो रेजर, इससे आप जिलेट एड में भी हम देखते हैं, नॉर्मल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सेफ्टी रेजर जिलेट ने खोज की थी। और नेक्स्ट देखिएगा गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर से हम क्या विद्युत धारा का माप करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो यहां से आपको आप रिलेट कर सकते हो कि मैरी एम्पियर ने गैल्वेनोमीटर की खोज की थी। अब नेक्स्ट देखिएगा ग्रामोफोन की खोज किसने, एडिसन ने की थी। अब ग्रामोफोन से आप देखिएगा, जब हमारा फोन ज्यादा या तो ज्यादा देर तक चार्ज में लगा रहता है तो क्या है, गर्म पड़ जाते हैं। कुछ कुछ फोन क्या होते हैं, गर्म। गर्म पड़ जाते हैं फोन, तो जब फोन गर्म पड़ते हैं तो उनसे क्या है, एक रेडिएशन निकलती है। तो इस रेडिएशन को आप कोरिलेट करिएगा, इस रेडिएशन, यहां सन आ रहा है और यहां पे भी सन है, तो इस रेडिएशन को हम एडिसन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और फ्रेंड ये आप लोगों के लिए है मोबाइल फोन। अब आप बताइएगा कि मोबाइल फोन का आविष्कार, मोबाइल फोन की खोज किसने की थी, और साथ ही साथ में आप इसकी ट्रिक बताइएगा कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।